गाजीपुर में कोरोना संक्रमण की आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन गुरुवार को आई खबर ने सबको चौंका दिया है। एक मासूम बच्ची भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है। इस बच्ची की उम्र अभी केवल 2 साल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल गाजीपुर में बच्ची संक्रमित हुई है, देश में दूसरी जगहों पर भी ऐसा हुआ है और वो बच्चे ठीक हो गए हैं। गुरुवार को गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले मिले हैं। इस तरह गाजीपुर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 97 हो गई है। राहत की बात यह है कि इनमें से 30 मरीज ठीक हो चुके हैं और कोरोना टेस्ट की उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इस हिसाब से देखें तो गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मरीजों की संख्या 67 ही है। अब तक गाजीपुर से 2200 से अधिक लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए लिए जा चुके हैं। गुरुवार को मिले कोरोना संक्रमित नए मरीजों में से बच्ची समेत 2 मरीज खालिसपुर गाजीपुर के रहने वाले हैं। दूसरे मरीज की उम्र 47 साल है। 23 साल के एक मरीज मदनही गाजीपुर के हैं और 29 साल के दूसरे मरीज रसूलपुर देवकली गाजीपुर के रहने वाले हैं। गुरुवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 मैनेजमेंट टीम 11 की समीक्षा बैठक लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। सेक्रेटरी टू सीएम आलोक कुमार ने बताया कि यूपी में कोविड-19 के बाद पैदा हुए हालात से निपटने के लिए करीब 80,000 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 31 मई से पहले हम इसमें 20,000 बेड और जोड़कर 1,00,000 बेड की व्यवस्था करने जा रहे हैं। सेक्रेटरी टू सीएम के मुताबिक यूपी के हर जिले में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए कम से कम 500 बेड तो होंगे ही। इस बीच गाजीपुर समेत यूपी में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला भी जारी है, इसलिए और सतर्कता बरतनी जरूरी है। यदि आप बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण महसूस कर रहे हैं तो न तो सेल्फ मेडिकेशन का सहारा लें और न ही इसे छिपाएं। कोविड-19 से जुड़े लक्षण दिखने पर तुरंत ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर 1075 टोल फ्री पर कॉल करें और अपनी सुरक्षा के लिए सरकार की मदद करें। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।